हेलो दोस्तों, माय यूट्यूब चैनल सुमन टेक्नीशियन आपका स्वागत है। आज मैं आपको बताने वाला हूँ नई वीडियो में BS6 CNG का इंजन अतुल जेम गाड़ी में, जो कि नया कंपनी नया मॉडल लॉन्च किया है। मैं उसमें आपको कुछ बताना चाहूँगा और इंजन आपको दिखाना चाहूँगा कि कुछ किस प्रकार से है इसमें इंजन और कैसे इसमें फिटिंग किया गया है। आप देख सकते हैं BS6 गाड़ी है जो कि CNG है। CNG आपको मैं इसमें भी दिखा दूँ आपको, जो कि इसमें इंजन कैसे कंप्लीट किया गया है और किस प्रकार से इसमें फिटिंग किया गया है इसी के बारे में आपको दिखाऊंगा। और ये वाटर कूल्ड इंजन है। CNG में ऐसा अभी तक कोई कंपनी वाटर कूल्ड इंजन नहीं दी है जो हमारे अतुल में दिया गया है। चलिए मैं आपको दिखाता हूँ। हेलो दोस्तों, जैसे कि आप देख सकते हैं ये अतुल जेम CNG गाड़ी है, जो कि मैं आपको पहले ही बताया हूँ कि इंजन मैं आपको इसका दिखाने वाला हूँ। सबसे पहले तो हम अंदर का आप इसका वो देख सकते हैं लुकिंग कैसे है। और इसमें गैस की जो टंकी है, गैस की टंकी ड्राइवर के पास रखी हुई है, जो कि इसमें मीटर भी दिया गया है कि आपकी गैस कितनी है और कितने लीटर। ये वैसे तो 6 लीटर की टैंक आती है और इसकी एवरेज की बात करूं तो ये तो 55 का एवरेज देती है। 1 लीटर में 55 किलोमीटर जाएगी और इसको ऑन ऑफ करने के लिए होता है। और आपको मैं दिखा दूँ, ये आपका इसका क्लस्टर भी देख सकते हैं। और आप कि गैस अगर जो ख़त्म हो जाती है तो कंपनी ने अलग से स्टैंडर्ड दिया हुआ है, जो कि इसमें आप CNG और पेट्रोल दोनों से इसको यूज़ कर सकते हैं। इस बटन से पेट्रोल भी यूज़ करते हैं और गैस भी यूज़ कर सकते हैं इमरजेंसी के तौर पे, अगर जो आपकी गैस ख़त्म हो जाती है तो। और आप मीटर पे भी देख सकते हैं, मीटर पे भी आपको गैस के लिए इंडिकेशन बताएगा कि कितनी आपकी गैस है या कितनी नहीं है। क्लस्टर पे ये आप देख सकते हैं, ये इसमें जैसे कि आप देख सकते हैं एक बिंदी रखी हुई है फ्यूल के लिए, जो कि रेड कलर की जल रही, मतलब इसमें फ्यूल बहुत कम है। और इसमें स्टार्टिंग के बाद ही MI लाइट बुझेगी, बाकी समय ऑन कंडीशन ही रहेगी। तो चलिए मैं आपको दिखाता हूँ पीछे की तरफ कैसे इसका इंजन कंपनी ने फिटिंग किया है और कैसे वाटर कूल्ड इंजन है। आपको भी ऐसा अभी तक किसी कंपनी ने लॉन्च ऐसा इंजन नहीं किया है जो कि CNG में वाटर कूल्ड सिस्टम हो। हमारी पहली अतुल की गाड़ी है, अतुल कंपनी ने पहला इंजन लॉन्च किया है जो कि वाटर कूल्ड है 3 व्हीलर में। बाकियों तो बहुत सी गाड़ियों में है, ये आप देख सकते हैं। इसमें रेजिरेटर वगैरह लगा हुआ है, वाटर पंप आएगा फ्राई व्हील के साथ, फुल एकदम लोडेड कंप्लीट। ये देख सकते हैं आप, ये रेजिरेटर है इसका। और मैं इंजन नीचे से आपको दिखाना चाहूँ तो वैसे भी आपको ये इंजन देखा देखा लगता होगा, जाना पहचाना सा, क्योंकि कंपनी ने जो अपने BS4 का इंजन आती थी, BS4 की बॉडी आती थी, उसी में इसमें जो है लॉन्च किया गया है। और जिधर साइड से आपने ये भी देखा होगा कि पहले जिधर से धुआं देता था उधर साइड कार्बेटर ये लगा हुआ है, और जिधर साइड से एग्जास्ट हवा लेता था वहाँ साइड धुआं के लिए साइलेंसर दिया गया है। खाली इसका फायरफाइट उल्टा कर दिया है, आप देख सकते हैं ये है इसका कुछ। और इसका गियर बॉक्स में कोई चेंजिंग नहीं है, गियर बॉक्स सेम कंडीशन है। और आप ईसीयू की बात करूं तो इस डिब्बे के अंदर ईसीयू लगा हुआ है। और गैस की बात करूं तो ये गैस के लिए मोटर लगी हुई है, जो कि गैस कितनी क्वांटिटी बढ़ाना है और घटाना है ये यहाँ से भी इसका माइलेज कम ज़्यादा किया जा सकता है, ये मोटर देख सकते हैं। और यहाँ पर ये आप देख सकते हैं ये वाटर पम्प लगा हुआ है, जो कि आप देख पा रहे होंगे उंगली से मैं बता रहा हूँ, जो कि ये वाटर पम्प इंजन को ठंडा करता है। और बहुत सी गाड़ियों में आपने देखा होगा, लेकिन कुछ भी बोलो ये इंजन, आपके भी मन में डाउट होगा कि ये सेम टू सेम BS4 की हाउसिंग इसमें रखी हुई है। आप देख सकते हैं पंप के लिए भी जगह बनी हुई है, जो कि कंपनी ने इसको बंद करके रखा है। ये जो हमारा डीजल का पंप फिटिंग होता था यहाँ पे बंद करके रखा गया है और डीजल के लिए। और इसी में CNG का इसमें खाली मॉडिफाई, मुझे नहीं लगता कि मॉडिफाई ज़्यादा किया गया है, जो कि इसमें इंजन के अंदर कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो कि चेंजिंग की गई हैं। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ ये छोटा सा मेरा वीडियो पसंद आया होगा। अगर जो पसंद आया हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करें। और ऐसे ही नई नई टॉपिक की वीडियो के लिए आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट भी कर सकते हैं। अगर जो इस गाड़ी के वजह में और कोई भी आपको जानना हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं कि इस गाड़ी में ऐसा क्या है, जो कि इसमें खाली ऊपर का हेड और ब्लॉक चेंजिंग किया गया है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद।